तो दोस्तों विजयीपुर नामक गांव यही है और उस गांव में हम लोग आ चुके हैं जहां पे फिल्मों की शूटिंग हुई थी। अरे रास्ता भी नहीं है यहां पे घर पे जाने के लोगों के, ना कहां कहां जाना पड़ता है भाई वीडियो बनाने के लिए। इधर फिल्मों की शूटिंग हुई थी इधर ही कहीं। अच्छा अच्छा कौन से ये वाला मकान है लखनऊ से? अच्छा दोस्तों सुप्रभात, और आज संडे है तो कुछ ऐसा हमने प्लान कर लिया कि घर में बैठे रहेंगे तो सोए रहेंगे, खाएंगे सोएंगे, बस उसके अलावा कोई काम तो होगा नहीं। इसलिए हमने सोचा कि एक नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं। सुबह 4 बजे ही हम उठ गए थे और 4 बजे उठ करके नहाना धोना नाश्ता पानी सब सारा तैयार हो गया है, गाड़ी को भी गर्म कर दिया है, निकलते हैं। अब एक ऐसी लोकेशन पर जा रहे हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री में उसका बहुत बड़ा नाम रहा है। तो ज़्यादा देर करते नहीं हैं और वीडियो पे बने रहिए, वो लोकेशन आपको जल्दी पता लग जाएगी, बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं जगदीशपुर में और सुबह के बज रहे हैं 6 बज रहे हैं। अभी पूरा यहाँ सन्नाटा छाया हुआ, देख रहे हैं सुबह अभी लोग सो रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा बस अड्डे पे चहल पहल यहाँ दिख रही है। तो हमें जाना है बनारस की तरफ, तो हम चलेंगे यहाँ से सीधा। ये रहा आपका चौराहा। दोस्तों करीब 20 किलोमीटर के आसपास आए होंगे और ये है वारिसगंज का चौराहा। लेकिन आज फिर हम पुराने रोड से ही जा रहे हैं, जो पुराना लखनऊ बनारस का जो हाईवे था वो यही था। बाईपास से ना हो करके हम पुराने रोड से चल रहे हैं और इससे करीब मेरा 5-6 किलोमीटर शॉर्ट भी बैठेगा और सुबह सुबह रोड भी खाली पड़ी है एकदम। तो दोस्तों अभी मैं पुराने हाईवे से नए वाले 4 लेन पे आ चुका हूँ और सुबह सुबह देखिए कितना मस्त सनराइज़ हो रहा है पेड़ों के बीच से, ना क्या गजब लग रहा है, वाह। देख रहे हैं? तो अभी हम कंजास आ चुके हैं, कंजास जगह है, इसके बाद आएगा मुसाफिर खाना। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी आपके मुसाफिर खाना में और ये रहा मुसाफिर खाना। ये तहसील है, बहुत बड़ी तहसील है अमेठी ज़िले की, एक जिसमें जगदीशपुर ब्लॉक वगैरह सब आता है और काफ़ी बड़ी मार्केट है। जब से बाईपास बना है तब से लोगों का आना जाना इधर थोड़ा कम हो गया है। तो आगे बस अड्डा है, आगे चल के पेट्रोल भी भरवाएँगे। तो ये आ गए भाई मुसाफिर खाना के पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल फुल करवा लेते हैं, क्यों चाचा? तभी गाड़ी चलेगी, देखते हैं कितना पेट्रोल आता है। 8-9 लीटर तो आ ही जाएगा। ऑटो काम नहीं कर रहा है क्या? काम कर दिया ऑटो से। अच्छा नहीं अच्छा अच्छा हाँ, और बढ़ाइए थोड़ा। 9.5 लीटर आ गया वैसे, 9.49 लीटर। 923 रुपये ना। तो दोस्तों प्यागीपुर हमने क्रॉस कर दिया है पीछे, अभी वो ओवरब्रिज बन गया, ओवरब्रिज के ऊपर से ही निकल लिए हैं। तो प्यागीपुर से आगे आ गए हैं और अभी आगे जो है ये फैज़ाबाद के लिए बाईपास बना हुआ है, वहाँ पहुँचने वाले हैं। यह आइडियल पावर स्टेशन है, आगे ये वाला भी पुल लग रहा है चालू हो गया भाई, ये भी पुल चालू हो गया है, क्योंकि ये सब पुल ना होने से ना बहुत बड़े बड़े जाम लगते थे यहाँ पे। आज की स्थिति में पुल बन जाने से चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। देखिए ऊपर से ही निकल जा रहे हैं हमने ये, लेकिन इन्होंने डबल नहीं बनाया, केवल जाने जाने के लिए ऊपर से बनाया है और उधर से आने वालों के लिए नीचे से बनाया है।
यहाँ से थोड़ा आगे से शायद फैज़ाबाद को रास्ता चला गया, ये दिख रहा है ना। तो दोस्तों अभी हम लोग सुल्तानपुर से थोड़ा ही आगे आए हैं, मुश्किल से 10 किलोमीटर आगे आए होंगे। एक बाईपास यहाँ पे पड़ गया है, ना जाने कौन सी बाज़ार मार्केट पड़ती है, लेकिन इधर का काम आज भी ये बाईपास वाला काम अधूरा है। लोग बताते हैं कि जो ठेकेदार है वो इसको छोड़ के भाग गया और रोड भी बहुत घटिया किस्म की बनी हुई है, तो बिल्कुल काम वैसे ठप पड़ा हुआ है। मतलब जो सुल्तानपुर से लखनऊ का रोड है वो 2 साल पहले बन करके तैयार हो गया, टोल वगैरह सब चल रहा है, लेकिन ये जैसे ही सुल्तानपुर से आगे बढ़ते हैं रोड अभी पूरी की पूरी नहीं बन पाई है। पता नहीं क्या रीज़न है, भगवान जाने। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट करिएगा। मैंने ऐसा सुना था कि ठेकेदार भाग गए, अनियमितता के चक्कर में जो है ठेकेदार भाग गए, काम ऐसे रुका पड़ा हुआ है। तो हम लोग थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर रहे हैं और बाथरूम वगैरह कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आके बढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा थकान भी दूर हो जाएगी। दोस्तों हम लोग भटकते भटकते जो है ये लम्बुआ आ गया ना, हम लोग जो है चले गए सुल्तानपुर से शंभूगंज बाईपास होते हुए हनुमानगंज से, और अभी शंभूगंज से फिर वापस लम्बुआ आ चुके हैं। ये लम्बुआ की मार्केट रही। वापस अभी बाज़ार क्रॉस करते ही फिर से 4 लेन आ जाएगा, तो इस रोड पे बहुत ज़्यादा आना जाना है नहीं, इसलिए थोड़ा भटक जाना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों अभी हम हैं बदलापुर के आसपास और यहाँ पे बन रहा है टोल प्लाज़ा, लेकिन सड़क तो अच्छी नहीं है, ये लग रहा जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। कैसे उसके आगे से वो निकाल के ले गया वो तो इस बार के हमारे ट्रिप में इस बार अभिषेक है, क्या हाल है भाई? ठीक है, ठीक है, पिछवाड़े में दर्द नहीं हुआ? तो लगभग 150 से 160 किलोमीटर आ चुके हैं, और ये रोड जो हाईवे है यहाँ से चला जाता है वाराणसी की तरफ, और हम जा रहे हैं जौनपुर की तरफ। पीछे जौनपुर का बोर्ड लगा है, यहाँ से लेफ्ट की तरफ चले जाना है जौनपुर की तरफ। हम लोग चल रहे हैं जौनपुर की तरफ, थकान तो हो गई। वैसे 2.5 घंटे लगे हैं जगदीशपुर से हमें यहाँ आने में, जौनपुर आने में। थोड़ा हम लोग रूट थोड़ा भूल भटक गए थे, तो उसमें 1/2 घंटा ज़्यादा लग गया, नहीं तो 2 घंटे में आ गए होते हम लोग। दोस्तों जौनपुर में पहुँच चुके हैं और रास्ता थोड़ा भटकना पड़ रहा है, वैसे गूगल मैप लगा दिया है और आशा है कि पहुँच जाएंगे सही जगह। थोड़ा शहर से बाहर निकल लेंगे तो उसके बाद फिर कहीं पूछताछ करेंगे फिर कि सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय जौनपुर। ये लड़कियां तो मुस्करा रही थी, खुश हो रही थी गाड़ी देख करके हमारी। हम लोगों को जाना है सीधे। हम लोग जौनपुर से काफी आगे आ चुके हैं और आगे आ गया है गोमती नदी का पुल। अब हमें ये नहीं पता कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत रास्ते पे जा रहे हैं।
पर लोकेशन तो बड़ा मस्त है। ये देखिए नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है, वो लोग मछली पकड़ रहे हैं। इसी नदी के किनारे का शूटिंग है, उसमें फिल्म में दिखाया गया है बहुत सारे दृश्य नदिया के पार। ये लोग पता नहीं क्या निकाल के ले जा रहे हैं, मिट्टी। आगे पूछते हैं तब थोड़ा कंफर्म होगा। ये नदी के किनारे ही गांव है, 9:30 बजने वाला। भैया वो जो फिल्म की शूटिंग हुई थी नदिया के पार, वो गांव कहाँ पे है? नदिया के पार कहाँ शूटिंग भई लाल? विजयपुर। अच्छा अच्छा इधर है कहीं नदी किनारे, इधर आगे जाके ना। हाँ अच्छा तो फुल पहले पीता का पड़ता है वहाँ। हाँ हाँ फिर बाद में विजयपुर पुलिस शूटिंग विजयपुर काम हुई है। अच्छा जो ये कच्चा मकान है, कच्चा मकान गिर गया, इसमें साची कहे तेरी आँखों से भौजी गाना बजा है। हाँ हाँ घर गिर गया। अच्छा पक्का बन गया। हाँ हाँ इसके बगल में बलिहार जहाँ उसका मायका है वो घर भी है। अच्छा वो वाला घर है अभी, घर ही घर है। और नदी इस पार राजीपुर मंदिर है। हाँ हाँ की जो पूजा हो रहा है सत्ती बाई के पार। अच्छा सीन है विजयपुर गाँव की सीन है। कला बाजार में आप आगे जाओगे सीधा कटहल का पेड़ उगा रहा है। हाँ और उसके बाद वही लखीपुर अगल मीरपुर है, एक कुआं था उसी में जो खींच रहा है सचिन। हाँ हाँ पानी निकालने वाला निकाल रहा है, कुआ भी है। अच्छा कुआं है। हाँ हाँ ये सब आपको मिलेगा। अच्छा कितने साल पहले हुआ था शूटिंग? अरे बहुत कम से कम 80 मतलब 40-43-45 साल हो गया कर 43 साल उसी ग्रेड में हम आपके हैं। हाँ हाँ नए बच्चे नहीं जानते, नए बच्चों से एक दो लोगों से पूछा तो कर नहीं पता तो हमने। हाँ हाँ ये रोडवा जो पक्का है ना आप जा रहे हैं। हाँ हाँ ये रोडवा पक्का है ना तो ये इतना कच्चा रहा, इतना गोल धक्का था मटिया में कच्चा रहा इसमें। ब्रिज नहीं था, आगे से दो रास्ता दिखा रहा है, एक पहले से मुड़ा है एक आगे से मुड़ा है। पहले वाला मुड़िएगा, पहले आगे जाओगे पहले है एक फुट के आगे। अच्छा अच्छा गले में आपको लोकेशन दे दे, दुकान आपके मिली हुआ पता किया। हाँ 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 स्टैंड वा स्टैंड लगा लीजिए। ठीक ठीक नमस्कार नमस्कार। तो हम लोग पहुंच चुके हैं नदी किनारे, लगभग उस गांव के आसपास में ही है। एक तो यही पक्का रास्ता मुड़ा है पर ये नहीं है वो। तो दोस्तों विजयपुर नामक गांव यही है और उस गांव में हम लोग आ चुके हैं जहां पे फिल्मों की शूटिंग हुई थी। अच्छा यहां से नहीं नहीं सही दिखा रहा है इधर, और हम लोग थोड़ा भटक गए थे, गांव का रास्ता है।
ये है खड़ंजा वाला रास्ता ना, ये फिर रास्ता ये भटक रहा धीरे धीरे। अभी देखो एकदम बिल्कुल इंटीरियर गांव में चला गया। कहाँ जाओगे इधर है? यहाँ से बंद हो गया रास्ता। है दिखा रहा, इसके अंदर से दिखा रहा रास्ता, इसके अंदर से जा सकते हैं ना। किसी के घर रुकते हैं तब फिर आइडिया आएगा। अरे रास्ता भी नहीं है यहाँ पे घर पे जाने के लोगों के ना। नमस्ते चाचा। वो जो फिल्मों की शूटिंग हुई थी वो कहाँ किन घरों में हुई थी? वो सब तो घर नहीं गया, निशान यही गांव है, यही गांव है। गांव तो यही है, लेकिन लोकेशन तो है, लेकिन ये जो वास्तव में जो घर थे और जो थे वो सब बदल गए। अच्छा अच्छा। एक तो ये पीछे है, इसके पीछे। हाँ, इसके पीछे। अच्छा, तो वहाँ था। हाँ हाँ, अच्छा। बगल में छाई था। हाँ, उसके अलावा तो और कई जगह तमाम जगह सूची हुई है। हाँ? देख के आओ, देख के आओ, गाड़ी निकलेगी क्या? किधर से? कहाँ कहाँ जाना पड़ता है भाई वीडियो बनाने के लिए? अच्छा ये है वो गांव ना। अच्छा ये है कुआं वो। हाँ अच्छा, नमस्कार। इधर फिल्मों की शूटिंग हुई थी इधर ही कहीं? हाँ। अच्छा अच्छा, अभी तो सब खत्म हो गया। कौन से, ये वाला मकान है? लखनऊ से? हाँ, इसी घर से हुई है। अच्छा, आधा दिया हो गया। हाँ नहीं, अब बदलाव तो हो ही जाएगा, 40-42 साल हो गया है तो चीज़ें तो बदल जाती ही हैं। हाँ हाँ, अब आओ बैठो, चाय पानी करो। अच्छा, सिक्की नाम है वो, गाना लिखता है और सिक्की मशीन भी चलाते रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा।